पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो अगूणे सदर आसिफ जरदारी की असेंबली रुकनियत मुअत्तिल करण लाए दरख्वास्त पीपी कयादत के नोटिस जारी। सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्त गुजार मौकुफ रखो है तो बई अगवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का अहदा रखन था। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर न होने बावजूद बई अगवान सियासी सरगर्मियों कर रहा है। अदालत इकबाल काजमी की इस्तदा मंजूर कदे बिन्हीं अगवाणन की नाअहली लाए रद्द कल दरख्वास्त भी बहाल कर छी। जेका बाबा की अदालत में पेशी से वयल नौजवान मोहम्मद उर्स कोरे जो कत्ल सिविल लाइन थाने की हद में अदालत के दर वट बीठल गोठाणन से मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद अंदाजन फायरिंग कई पीरसन जख्मी एक जवाबदार आचर पिस्तौल सूदो गिरफ्तार। पुलिस मूजिब वाक्यो संगावती तकरार तां पेश आयो। मेहरापुर में घुटा दई कत्ल थियल सहाफी अजीज मेमुन जो लाश जनाज नमाज बाद मिट्टी माओ हवाले। अजीज मेमुन के कत्ल खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कलम धड़ियों का मुजाहरा। जवाबदार के फौरी मंतकी अंजाम तई पहुंचाने का मुतालबो। सहाफी अजीज मेमुन के गुजरियल डी माइक की तार से घुटा दई कत्ल करने बाद लाश वाह में उछलो वो हो। पुलिस जवाबदार पतो लगाने में नाकाम केस भी दाखिल न थो। दरिया खान मरी भरसा गोलियों जो खाज बनाए कत्ल कल पीपीएमपीए शहनाज अंसारी के केस में नामजद ब जवाबदार अख्तर जायद खोखर पुलिस की पकड़ में न आया। सूबाई वजीर सईद गनी जेयूआईएफ अगवान राशिद महमूद सुमरो बन सियासी समाजी अगवाणन की मकतूल एमपीए के पोयरन से ताजियत। बलूचिस्तान के वे वजीर जाम कमाल की खानगढ़ में गोहर पैलेस से जीडी अगवान अली गोहर महर से मुलाकात। पीपीएमपीए नादिर मक्सी भी मौजूद। जाम कमाल जीडी अगवान की दावत से मांझांदो कर वापस हलो वो। जहरियन चवण है तो मुलाकात दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल से भी गालू थी। रावलपिंडी में मुबैन अजितमाई लजालुट जो शिकार 14 वर्ष की छोकरी हमल से थी वही। वालिद की फरियाद से केस दाखिल थियण बाद चार पाड़ेसरी गिरफ्तार। छोकरी दायों है तो जवाबदार गुजरल साल केतर डीन तीन खेस इजतमाई लजालुट जो निशानो बनाईंदा रहा। खामोश न रहने की सूरत में कत्ल जो धमकियों भी दिन। वेबसाइट से फर्श और गैर अखलाकी मवाद हटाने लाए कर रहा आयो। सिंध हाईकोर्ट वफाकी सरकार और पीटीए इख्तियार के नोटिस जारी कर छा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर रिमार्क्स डींदे है तो इन मामले में पीटीए ही अहम इदारो है। उ बुधाई कदम खड़ी रहा है।